हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति और आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं पनीर हैदराबादी। इसे कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है और साथ में ही डालूंगी पहले मैं इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। ऑयल को जो है वो हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ऑयल जब भी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। बहुत ही बढ़िया डिश है, हरी भरी डिश बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इसका टेस्ट जो है वो आता है आपका जैसे पनीर बटर मसाला बनता है उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ये भी बनता है। तो इसे कैसे बनाते हैं देखते रहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हुए हैं कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में है हमारी लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है, हरी इलायची है। खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे और साथ में ही डालेंगे हम तेज पत्ता। तो ऑयल जो है वो हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अपने खड़े मसाले और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ते और इसके बाद यहाँ पर मैंने ये सब चॉप करके रखा हुआ है लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, इन सभी चीजों का हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम जो है वो हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर मैं अनएडिटेड वीडियो बना रही हूँ इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और साथ में ही यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े प्याज जो है वो रफली चॉप करके रखे हुए हैं, इसको हम इसमें डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये चीजें जो है हमारी हल्के से सॉफ्ट होने लगेंगी तब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। प्याज जो है वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे ये टोमेटो जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया हुआ है। ये 3 बड़े साइज के टमाटर हैं, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इन सभी चीजों को सॉफ्ट हो जाना देना है और इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पालक। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पालक लिया हुआ है जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, इसको अच्छे से धुल के साफ कर लिया है, फिर इसको बड़े टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया हुआ है तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में ही मैंने जितनी क्वांटिटी में मैंने पालक ली हुई है उतनी ही क्वांटिटी में मैं यहाँ पर हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम उतना ही लेना है, 1 कटोरी पालक है तो 1 कटोरी भी धनिया हमें लेना है तो वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया हरा भरा पनीर बनने वाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, फाइनली इसे हमें ठंडा हो जाने के बाद ब्लेंड ही करना है तो मोस्टली क्या है हमें सारी चीजों को रफली चॉप कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। अच्छा, ये ना बहुत कलरफुल लग रहा है, देखते हैं आप लोगों को पास से, है ना, देखने में बहुत ही ज्यादा कलरफुल। पका लेते हैं इसे। अच्छा, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुकिंग का प्रोसेस जो है लंबा हो रहा है या टाइम टेकिंग लग रहा है वहां पर मैं उस चीज को कट कर दे रही हूँ। सब्जियां जो है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, मैं इसे पास से आकर दिखा देती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं, अब इन्हें जो है हमें कम्प्लीट ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। बट एक पेस्ट बनाने से पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमने इसमें तेज पत्ता, खड़े मसाले जो यूज किए हुए हैं उन सारे चीजों को हम हटा के एक साइड कर देंगे। उससे क्या है कि अच्छा सा फ्लेवर इसमें ऑलरेडी आ चुका है तो उन सभी चीजों को हम अलग कर देंगे, उसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो तब तक हम इसे ठंडा होने देते हैं और इसके फाइन पेस्ट की तैयारी करते हैं। तो पेस्ट जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, कढ़ाई को मैंने एक बार अच्छे से धुल लिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी।
आप देसी घी बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में ही क्या है, थोड़ा सा बटर भी डाल देते हैं। मेल्ट हो जाने देते हैं। पनीर में बटर का टेस्ट, घी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो तैयारी जो है मैंने पहले से करके रखी हुई है, सारे मसाले वगैरह वो मैंने पहले से निकाल लिए हुए हैं। अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें मैं जो है डालूंगी पहले थोड़ा सा जो लाई होती है छोटी वाली, वो लाई का इस्तेमाल करूंगी, तड़के वाली लाई बोलते हैं जिसको, तो वो डालेंगे। 1/2 टीस्पून तड़के वाली लाई इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम जीरा, 1/2 चम्मच के करीब जीरा है। जी हाँ, अगर आपके पास करी पत्ता हो तो आप इसमें करी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। गैस का फ्लेम यहाँ पर स्लो कर देते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा पेस्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन है, बढ़िया सा टेक्सचर है इसका, एकदम स्मूदी टाइप का पेस्ट बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा गीला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अगर आपको आपका पेस्ट जो है वो थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसको पी सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छे से छटक गया है जीरा हमारा, अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर स्लो रखेंगे क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा बाहर निकलेगा। बटर और घी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और इसको हम चलाते हुए थोड़ा सा पका लेते हैं। एकदम स्मूथ वेलवेटी टाइप का इसका टेक्सचर आता है पनीर का। पकने देते हैं थोड़ा सा। ग्रेवी में जो है वो बॉईल आने लगा है, तो हमने यहाँ पर जो स्पाइसेस तैयार किए हुए थे वो है धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, और जो हम नॉर्मल मिर्च यूज करते हैं वो तीखा बनाने के लिए, और हल्दी पाउडर है ये, और यहाँ पर ये सॉल्ट है। इन सभी चीजों को हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, बढ़िया सा कलर आ जा रहा है इसमें, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक जो ये ग्रेवी है वो ऑयल रिलीज नहीं कर देती, तब तक हमें इसे पका लेना है। बीच बीच में हमें इसे चलाते भी रहना है ताकि ग्रेवी जो है वो नीचे लगे नहीं और बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये 500 ग्राम पनीर है जिसको मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया हुआ है, इसको हम इसमें अभी डालेंगे, बट उससे पहले क्या है इसका ऑयल रिलीज हो जाने देते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैं जो ग्रेवी है उस ग्रेवी में मैं यूज कर रही हूँ शुगर। आपके पास अगर पाउडर शुगर है आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल चीनी हम घर में यूज करते हैं वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसका जो मीठा वाला टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चीनी ज्यादा ही ऐड कर रही हूँ इसमें, जैसे कि हम पनीर बटर मसाला में यूज करते हैं सेम वैसे ही। तो चलिए डाल देते हैं भाई, मिक्स कर देते हैं। बनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद बनने के बाद जब हम इसे खाएंगे ना तो वो मजा ही अलग है। चलिए भाई थोड़ा सा पक जाने देते हैं। ग्रेवी से जो है ऑयल निकलने लगा है, अब यहाँ पर मैं इसमें बटर डालूंगी। बटर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना भी आपको ज्यादा कम पसंद हो। मैं यहाँ पर 3 से 4 क्यूब्स बटर डाल दे रही हूँ, वैसे बटर खाना किसे पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसमें डाल दे रहे हैं बटर, और बटर के बाद इसमें हम इस पनीर को डाल देते हैं।
ऑयल अच्छा आ गया है, ऑयल रिलीज हो चुका है, बटर भी हमने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। अब जो है थोड़ा ध्यान रखना है पनीर टूटे नहीं, अच्छा सा टेक्सचर इसमें बना रहे, प्लस प्रॉपर ये पक भी जाए, बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। मीडियम फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। अब जाने देते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम आपको जितना भी ज्यादा पसंद हो उतनी क्रीम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अमूल की क्रीम यूज कर रही हूँ। आधा मैंने इसको डाल दिया है। बढ़िया से मिक्स करके देखते हैं। अरे वाह। अच्छा रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस रेसिपी को। और जब भी कोई स्पेशल ओकेशन हो या आपका कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। हैदराबादी पनीर है ये, बहुत ही बढ़िया और फटाफट बनकर तैयार हो जाने वाला है। एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका हो गया है। अच्छे से क्रीम को मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है वो बनकर तैयार हो गया है। चलिए हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा पनीर हैदराबादी जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया इसकी मैंने प्लेटिंग कर दी हुई है, दिखने में लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा यमी और खूबसूरत। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। और हाँ, बहुत ज्यादा इसे नहीं खाना है क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रीम है, बहुत ज्यादा हैवी है, थोड़ी सी ही क्वांटिटी में खाइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको मेरा ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर और भी इसी तरीके के अनएडिटेड वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरे चैनल पे कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। आपके जो कमेंट हैं वो मुझे इंस्पायर करते हैं और भी अच्छी रेसिपीज बनाने के लिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छा अच्छा बनाएं और अच्छा अच्छा खाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.